पाठ का शीर्षक है एक की दो की। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में जो उलझे रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में
उसे एक और आवाज सुनाई दी। मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहां जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई। कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ अंदर आ जाओ। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहो बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जी। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक्की इतनी खुश हुई कि वो खाना खा ही नहीं सकी,
बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वो सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वो तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा, झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।